वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में टॉप 10 हिडन प्लेसेस बताने वाला हूँ बीआर रैंक की। समझ लो टॉप 10 मतलब वीडियो कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके आना और ये वाली ट्रिक भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मतलब कोई बंदा इधर आप सबको कोई मार नहीं सकता, भले से वो कुछ भी फेंक दे, ग्रेनेड वगैरह कुछ भी। लेकिन 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 मुझे ये जरूर बताना कि आप बीआर रैंक में कौन सी कैरेक्टर स्किल यूज करते हो, क्योंकि इस वीडियो पे जैसी 1K लाइक के साथ 200 कमेंट हो जाएंगे ना, तो वही नेक्स्ट वीडियो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन फॉर बीआर रैंक की आ जाएगी। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ट्रिक नंबर 10 अपनी वर्क करने वाली ऑब्जर्वेटरी पे। ये वाली ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन एक भाई ने कमेंट करा था भाई विंटरलैंड के बाद स्नो आ गई ना, तो मुझे कुछ ये ट्रिक समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आपको बता देता हूँ। देखो एक बीच में बड़ी पत्ती देखने को मिलेगी, उसके बाद एक छोटी पत्ती देखने को मिलेगी, उसके ऊपर जस्ट उसके ऊपर एक लॉन्च पैड ऐसे सेट कर देना। अगर आपको नहीं समझ आई तो वीडियो वापस पीछे करके देखो और एक स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे अगर आप यूज करो तो उस समय आप स्क्रीनशॉट देख के समझ जाओगे कि कहाँ लगाना है। तो आपको कोई मार नहीं पाएगा, लेकिन आपको ये लैंडमाइन लगानी हो तो लैंडमाइन भी यहाँ लगा देना, कि कोई और आएगा ना तो वो आराम से डैमेज खा के आप उसको मार सकते हो। सामने एक बंदा देखने को मिला लेकिन निकला नहीं। चलो ट्रिक नंबर 9 की ओर चलते हैं, अपनी वर्क करने वाली फैक्ट्री पे। और ये वाली के लिए आपको 3 ग्लोबल एरे टीममेट की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो मुझे विदाउट टीममेट की ट्रिक पता है, लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलो इस वीडियो में आपको 3 ग्लोबल को जैसे लगा देना और एक टीममेट को बुला लेना है यहाँ पे खड़े होने के लिए। चलो भाई इधर आ जा भाई जल्दी से, इधर मेरे को ऊपर चढ़ना है। चलो इसको यहाँ पे खड़ा करा दिया, इसके ऊपर जंप करके अपन डायरेक्ट इधर आ जाएंगे। और इधर आने के बाद आपको इस ग्लोबल पे लास्ट वाले ग्लोबल पे खड़े होके एक ग्लोबल कुछ यहाँ पे ऐसा सेट कर देना, जैसे बिल्कुल मैं लगा रहा हूँ ना, बिल्कुल हाफ ऐसे लगा देना है। इसके ऊपर जंप करके आप इधर आ जाओगे। और अभी ट्रिक खत्म नहीं हुई है, अभी तो यहाँ पे कोई मार देगा, इससे भी अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ ना। आपको एक और ग्लोबल की जरूरत पड़ेगी, मतलब टोटल 5 ग्लोबल लगेंगे। एक ग्लोबल को जैसे लगा देना है, इसके ऊपर जंप करके आप इधर आ सकते हो। और इधर आपको पता ही है वेंडिंग मशीन जस्ट नीचे है, आप आसानी से बहुत सारे किल कर सकते हो। मतलब रैंक पुश के साथ किल भी मतलब भरपूर मिलेंगे। और चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे एक और बंदा दिखा, उसको भी मैंने मार दिया। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 8 अपनी वर्क करने वाली है नूरेक डैम पे। और ये वाली लोकेशन पहले नेक्स्टा में थी, अब बरमूडा में शिफ्ट कर दी। कितने को यारी बात पता है मुझे कमेंट में बताना। बस आपको टक्कर खा के अंदर आ जाना है, आपको जॉयस्टिक लगा के रखना, जैसे टक्कर मारोगे ना आपको बस जंप कर दोगे तो अंदर आ जाओगे, और फायर मत करना वरना आप एलिमिनेट हो जाओगे। चलो नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं, यहीं से भाई गाड़ी स्टार्ट कर, चल नेक्स्ट ट्रिक की ओर ले चल मुझे ढूंढने। ट्रिक नंबर 7 अपनी वर्क करने वाली पीक पर। और भाई ये वाली लोकेशन पे आपको एक लॉन्च पैड लेके आ जाना है। लॉन्च पैड आपको कैसे लगाना है, देखो एकदम अंदर कर देना, आपको रेड एम आएगा कोई दिक्कत नहीं। एक बार फायर करना, फिर लॉन्च पैड हटा देना, फिर वापस लेना, फिर फायर कर देना, एकदम ऐसी कर दोगे ना जल्दी से तो एकदम से आपका लॉन्च पैड लग जाएगा। अब बस लॉन्च पैड को यूज करना है और यूज करके लीव कर देना है और आप अंदर आ जाओगे। और इधर अंदर आने के बाद आप बताऊँ अंदर बैठे बैठे फायर मत करना, जंप करके फायर करना, क्योंकि अंदर बैठे बैठे फेक डैमेज भी आएगा और आप एलिमिनेट भी हो जाओगे। आपको जंप करना है और भाई डैमेज भी पड़ता है। देखो इसका सोनी एक्टिवेट हुआ, भाई जल्दी से फिनिश करने आ रहा था, मेरे टीममेट को मैंने ग्लू लगा दिया, लेकिन भाई मेरे टीममेट को तो मेरी दूसरी स्क्वाड ने फिनिश कर दिया। किसी उसको मैंने मारा, टीम वाइप आउट हुई, दूसरा बंदा आ गया। भाई इसको तो मैं मारूंगा नहीं, इसके लेने वाले मजे है भाई। वो भी सोच रहा होगा भाई पिक पे भूत आ गया क्या, भाई सच में आ रही है। तो देखो बंदे उन कुछ भी नहीं कर पा रहे, वो वाले बंदे का दिमाग सटक गया है कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है भाई, ग्रेनेड करने लग गया। ले कर ले भाई तेरी इच्छा पूरी कर ले, मर गया मैं नहीं मरा ना भाई, इतनी कमाल की ट्रिक है ना। और अगर आपको बोले तुम मतलब सामने बंदा दिखा, जंप करके मारना, डैमेज मारना, उसके बाद तो क्या करना, देखो डायरेक्ट बाहर निकलना, रश मार देना भाई, पहली एमओ कम है, देखते मैं इन दोनों बंदों को मार पाता हूँ क्या। देखो एक को तो मैंने मार दिया, लेकिन मात्र 15 एमओ इसमें और 7 गोली इसमें हो भाई, इसमें सिर्फ 5 गोली, इसमें 7 गोली और भाई इसमें 3 गोली बची है भाई। मैं किंग विशर से मार भाई, टीम वाइप आउट होगी। चलो एक और टीम वाइप आउट। नंबर 6 अपनी वर्क करने वाली क्वार्टर 2 पे। और इतनी कमाल की ट्रिक नहीं होने वाली, नॉर्मल सी ट्रिक है। आपको ये वेयर हाउस के ऊपर एक ग्लोबल का जैसे लगा देना है। भाई जितनी भी ट्रिक पता चलती है ना आपको सब बता देता हूँ, मतलब ये इतनी कमाल की नहीं, आपको मैंने पहले ही बता दिया। तीसरा ग्लोबल मैं नॉर्मल ऐसे ही लगा देता हूँ, क्योंकि अपने ग्लोबल तो बाद में बनी आएंगे, कौन सा वेस्ट हो रहा है। आपको तीसरा ग्लोबल सेफ्टी के लिए फटाफट यहाँ लगा दिया। अब आपको जिपलाइन को यूज करना है, और जिपलाइन को यूज करने के बाद आपको बिल्कुल अपनी स्क्रीन को नीचे झुका के रखना है, जिससे एकदम परफेक्ट जम हो उस ग्लोबल के ऊपर। देखो इधर आए और मैंने लिव कर दिया, और यहाँ पे मैं एकदम डायरेक्ट इस पे आ चुका हूँ। और इधर आने के बाद भाई कितने किल मिलेंगे आपको मैं बताता हूँ, आपको क्यों किल मिलेंगे आपको ये भी बताता हूँ। आपको एक नायरी कैरेक्टर इसलिए मैं बोल रहा था क्योंकि ऊपर आपको कवर देखने को नहीं मिलेगा, आपको एक ग्लोबल ऐसे लगा देना है जिससे पहाड़ वाले बंदे आपको मार नहीं पाएंगे। और एक ग्लोबल और लगा सकते हो अपने पीछे, जिससे आपको बंदे कोई भी नहीं मार पाएगा, कहीं से नहीं मार पाएगा।
तो आप आराम से कवर लेके इसको मार सकते हो। और सबसे मस्त चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक अपने पास में दिल होने वाला है और उस दिल पर सिर्फ आपका ही राज चलेगा, क्योंकि अब इधर कोई भी रिवाइव देगा आप उसको मार देना। ट्रिक नंबर 5 अपनी वर्क करने वाली है पिंक पर, और ये वाली ट्रिक तो वैसे सबको पता लग गई होगी लेकिन सोलो की नहीं पता लगी होगी। तो आपको सोलो में क्या करना भाई, साइड में बंदा है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। उसने मेरे को देखा भी नहीं, मेरे टीममेट को नॉक कर दिया, फटाफट ऊपर चलते वरना ये मेरे को भी मार देगा। आपको इस डब्बे के ऊपर एकदम चढ़ जाना है और इधर आपको देखो एक किनोर देखने को मिलेगी जिससे आप डब्बे पे चढ़ सकते हो। और इधर आने के बाद आपको तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आप आसानी से कैंपिंग भी कर सकते हो वरना आप इन बंदों की छेड़खानी भी कर सकते हो। इसको नॉक कर दिया हेडशॉट के साथ, वो भाई इसका ग्रेनेड वाला मतलब ऑन करते हैं और ये ग्रेनेड मारा और वापस से नॉक हो गया, मतलब इसके पास में एक और बंदा बैठा है। चलो एक और लॉन्चर मारते हो ना वरना रिवाइव, भाई तीन तीन बंदे हो गए, चलो भाई अब तो मजा आएगा। भाई दो को डैमेज आया लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, भाई कोई नॉक क्यों नहीं हो रहा। चलो इसका किल चोरी कर लिया और ये सामने एक और पड़ा हुआ, इसको भी मैंने किल चोरी करके खत्म करने का ट्राई करा लेकिन नहीं मिला। ट्रिक नंबर 4 अपनी वर्क करने वाली है रिवर साइड पे, और इस वाली ट्रिक के लिए आपको एक लॉन्च पैड जरूर से लेके आ जाना, लॉन्च पैड कहीं पे भी लगा देना, उसके बाद आपको इस पिलर के ऊपर लॉन्च पैड सेट करके आपको यूज कर देना और आप इधर इस घर के ऊपर आ जाओगे। यहाँ पे आसानी से कैंपिंग मतलब बहुत 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 बढ़िया ट्रिक होने वाली है ये देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने खाता भी खुल चुका है लेकिन सामने एक और बंदा दिखा, इसको भी नॉक कर दिया, मतलब दो दो किल एक ही जगह पे बैठ के। अभी तो ये कुछ ही बातें नहीं हुई है, अभी यहाँ पे बैठे बैठे भुया भी करना है क्योंकि जोन भी यहीं पर बना हुआ है देख रहे हो, और यहाँ पे जोन बहुत ज्यादा बनता है, मतलब अगर यहाँ नहीं बनता है इसके पास में बनता है तो आप टॉप 10 तो कर ही सकते हो यहाँ पे बैठे बैठे। और इधर देखो सामने उस बंदे को दिख नहीं रहा था लेकिन मैंने ओटीएम करके उसको मार दिया। ट्रिक नंबर 3 अपनी वर्क करने वाली है पिक के नीचे के साइड और केप टाउन के ऊपर के साइड वर्क करने वाली है। मतलब इस प्यार का क्या नाम दूं, वैसे इस जगह का नाम क्या दूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब कोई जगह का नाम है ही नहीं। आपको बस ये वाली लोकेशन पे आ जाना है और दूसरा ग्लोवल एकदम नीचे लगा देना है और तीसरा इतना ऊपर लगा देना है और एक सीढ़ी जैसी बन जाएगी, उसके बाद आप इस ग्लोवल के ऊपर जम करके इस जगह पर आराम से सर्वाइव कर सकते हो। और यहाँ पे आने के बाद आपको कोई देख नहीं सकता और ऊपर जो जाली लगी ना इधर इनविजिबल वॉल है तो आपको कोई मार भी नहीं सकता, देख नहीं सकता तो मारेगा क्या। इधर देखो साइड में वेंडिंग मशीन भी, तो सामने बहुत बंदे आते रहते हैं रिवाइव करने के लिए, तो भाई इधर किल फैक्ट्री पे बोल सकते हो, मतलब सबसे ज्यादा बंदे आते हैं ना ये वाली लोकेशन पे ही आते हैं। चलो नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं, ट्रिक नंबर 2 अपनी वर्क करने वाली है पिक के नीचे के साइड में। और इधर आने के बाद आपको एक कमाल की ट्रिक बताता हूँ, अभी जो न्यू ट्रिक आई है फ्री फायर में, देखो आपको एक ग्लू वॉल ऐसे लगा देना है और आपको पता नहीं होगा पेड़ के ऊपर पोर्टल लगने लगा है, तो भाई आप पोर्टल के ऊपर बस नीचे जैसे ही गिरोगे आप पेड़ के मतलब इस ग्लू वॉल के ऊपर अटक जाओगे और यहाँ पे आने के बाद अपने खुद को नहीं देख सकते हो तो बंदे आपको क्या देख पाएंगे भाई, इतनी कमाल का कवर देखने को मिलने वाला है। सामने एक बंदा देखा है और इसको मैंने डैमेज दिया और इसको चलो नॉक भी करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। और इसी के साथ मेरे 7 किल हो चुके हैं, लास्ट जोन यहाँ पे बना था ना इसलिए मैंने पोर्टल लास्ट में यूज कर लिया। सामने एक और एनिमी को नॉक कर दिया वो भी हेडशॉट के साथ में, चलो इसको फिनिश करते हैं। और मेरे इधर 8 किल हो चुके हैं, चलो यहाँ पे बुइया भी हो चुका है, मतलब ट्रिक तो बहुत बढ़िया थी, आप भी यूज कर सकते हो अपने टीममेट के साथ में। चलो नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं, ट्रिक नंबर 1 अपनी वर्क करने वाली है ग्रेवियार्ड के सामने ये बैनर के ऊपर, देखो सामने दिल चार्ज हो रहा है और सामने में ऑटो एम लगा के मेरे को किधर से फायरिंग हो रही थी, चलो इसको भी मैंने पता कर लिया। और यहाँ पे मैंने एक गोली का छोड़ के नॉक कर दिया और इसका फिनिश कर दिया। और भाई इधर मैंने 2 किल हो चुके हैं और भाई ये कहाँ से टपक चुका है भाई, इसको मारते इसका तो कोई गन ही नहीं है और इसको मैंने जैसे ही फिनिश करा। चलो आपको इसकी ट्रिक भी तो बताना, नीचे उतर के मैं डायरेक्ट आपको लॉन्च पैड पे ले चलता हूँ, कौन से लॉन्च पैड से आया था आपको बिल्कुल ऐसे सेट कर देना भाई, मैं समझा नहीं सकता हूँ, मतलब आपको बहुत मुश्किल है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आप एक दो बार में ट्राई करोगे तो उसके ऊपर चढ़ जाओगे, ऐसी वो सिंपल ट्रिक मैं लेके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बहुत ढूंढना मुझे मिली नहीं और जैसे मैं इधर किल करके गया था लेकिन मुझे और किल मिल चुके सामने और इसको भी मैंने मार दिया लेकिन ये नॉक ही नहीं हो रहे भाई, कितनी HP इनके पास, चले एक को नॉक कर दिया और दूसरे को भी नॉक कर दिया। ऐसी और वीडियो देखनी हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, अगर CS रैंक पुश कर दो राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर देना। चलो आज की इस वीडियो में इतना, तब तक के लिए बाय।